की सैर कराएंगे। ये मंदिर है सोलन जिला के धरमपुर के कंबलपुर में ये मंदिर पड़ता है। देवता विजयेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हाँ जी, देवता विजयेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हाँ जी, ये यहाँ के स्थानीय देवता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ नियमित पूजा का प्रधान है, ताकि हम मंदिर की पूजा पाठ जब लोकल लोग सारे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, लोकल जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये उनका इष्ट है, इष्ट देवता बोलते हैं। वैसे भगवान तो एक ही है, पर यहाँ के जो लोग हैं वो देवता को मानते हैं विजयेश्वर महादेव के नाम से। और यहाँ की परंपरा है कि यहाँ पर हमारे हर महीने में 5 भंडारे होते हैं, हर रविवार को और संक्रांत होती है, जिसमें जो दूसरे हमारे महीने होते हैं चैत बैसाख वगैरह, उसके हिसाब से संक्रांत आती है, उसमें भंडारे होते हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि जैसे यहाँ पर फसलें वगैरह होती है, स्थानीय जो लोग हैं वहाँ का वो चढ़ावा चढ़ाते हैं यहाँ पर। स्थानीय फसल जैसे आती है ना, ये हमारी मक्की की, गेहूँ की फसल जैसे होती है, तो वहाँ है, और बस मन्नत पूरी होती है देवता। कितने साल पुराना मंदिर है ये? तो बहुत पुराना है जी, कोई हमारे पास कोई ऐसा इतिहास नहीं है इसका भी, कितने साल। अच्छा, कभी राजाओं के टाइम से है जी, अंग्रेजों के टाइम से। ये जो पुल है ये अंग्रेजों के टाइम से लगा हुआ है, अंग्रेजों के टाइम का पुल है ये पुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले तो रास्ते नहीं होते थे, तो जैसे पैदल के चलते थे, तो यहाँ से कसौली से शिमला के लिए ये रास्ता है, कसौली से शिमला के लिए यहाँ से पैदल जाते थे। अच्छा, पैदल जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज पैदल। ठीक है, इतने साल पुराने पुल है। और आप कितने साल से यहाँ पे? मेरी उम्र तो 60 साल है वैसे। अच्छा, लगभग 10 साल से हम यहाँ पे काम करते हैं, 10 साल तब से हमारे होशो वहाँ से भी 10 साल 50 साल तो हमारे को भी देखते हो। मतलब आप यहाँ, जैसे ऐसे भी होता है जैसे कई बुजुर्ग आपके बुजुर्ग भी यहाँ करते थे, आप भी? ये ऐसा है जी कि ऑन रिकॉर्ड है, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ताकि हम मंदिर धूप दी पूजा पाठ पुष्ट दर पुष्ट मौत में कायम होंगे। मौत में बोलते हैं मैनेजर, मतलब मंदिर की जो मैनेजमेंट करेगा। अच्छा, मैनेजमेंट होती है तो इसमें पुष्ट पुष्ट टाइम से है। हमारे दादाजी के दादाजी भी होंगे, और हमारे दादाजी थे हमारे सामने, हमारे पिताजी थे, और पिताजी के साल बाद 22 साल मेरे को भी हो गए। अब आप? हाँ जी, हम ऑन रिकॉर्ड है जी, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कानून है इसमें। वैसे तो देवी देवताओं को सभी मानते हैं, पर कानून जो है तो कानून प्रूफ मांगता है। हाँ। और ये आस्था और विश्वास है जी, आज भगवान के ऊपर आस्था और विश्वास है। हाँ। तो विश्वास से है, बाकी कानून में, वैसे कानून में भी हम जो है तो बहुत भीम है, मैनेजर है, मतलब बहुत भीम का मतलब होता है मैनेजर, जो मंदिर की देख देख करेंगे। हाँ, जब तक ये रिकॉर्ड है कि जब तक धरती पर मंदिर कायम है, तब तक हमारे को पुष्ट दर पुष्ट, जो आपने पूछा कि आपके दादाजी करते हैं, हमारे दादाजी के दादाजी करते, पुष्ट दर पुष्ट मौत भी, मतलब हमारे को डीसी द्वारा नियुक्ति होती है हमारी, मतलब घर का हर एक सदस्य यहाँ पे
एक कोई करता है, जैसे आपके दो भाई है तो कोई एक को? हाँ जी, ऐसा वो मान्यता है हमारी। अच्छा। जैसे मतलब परिवार में से एक आदमी करेगा ही करेगा, वो छोड़ नहीं सकता। उनके लिए नौकरी का प्रधान है, वो नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्ड में होता कि आप मंदिर पूजा पाठ हर रोज पूजा पाठ करनी है, सुबह भी और शाम को भी। अगर आदमी नौकरी में होगा तो कैसे करेगा? तो इसलिए मतलब हमारे लिए नौकरी नहीं है, यही नौकरी है हमारी, ये आपकी सेम है, करना पड़ता है। बुजुर्गों ने भी हमारे को कहा है कि मंदिर की आरती पूजा नहीं छोड़ना, बाकी सेवा कर रहे हो आप, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। सेवा तो एक सेवा होती है जी, निःशुल्क सेवा, हम तो इसी का खा रहे हैं 24 घंटे, हमारी ये हमारी रोजी रोटी है, हमारी नौकरी हुई एक पद। हाँ जी, हाँ जी, नौकरी। और फिर इसमें एक शर्त और है जी कि हम जैसे मोहतमी, मैंने बोला मैनेजर ना जी, तो मैं कल को अपने बेटे को नियुक्त नहीं कर सकता यहाँ पर। अच्छा, मोहतमी नियुक्ति का अधिकार अधोस्ताक्षर डीसी के पास सुरक्षित है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। आप सब लोग आप यहाँ पे आए हैं तो ये सबका है, मंदिर सबका होता है। अब आप पर जो हमारी पूजा पाठ की जिम्मेवारी वो हमारी है, और अगर हमारा मेरा बेटा कल को पूजा पाठ नहीं करता है तो वो बाहर है, आप लोगों की तरह है, सब आम जनता की तरह है। अच्छा। और अगर वो करेगा तो जैसे मेरे दादाजी करते थे, मेरे दादाजी की बात पिताजी ने किया, जब पिताजी ने रहा तो हमने डीसी को एप्लीकेशन दी कि हम करते हैं वहाँ पर, तो फिर डीसी नियुक्त करते हैं। सोलन का? हाँ जी, डीसी सोलन का। हाँ जी, डीसी सोलन, सोलन डिस्ट्रिक्ट है ना जी। हाँ हाँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा, ठीक है, धन्यवाद। राजाओं के टाइम से ना जी बताते हैं, जब कभी देवता को राजाएं थे, राजाओं के टाइम से है। हाँ। राजाओं लाए गए, आप कश्मीर से आए हैं, पर मुझे नहीं पता है अभी क्या है, क्योंकि दंत कथाएं हमारे पास, मतलब जैसे आपके दादाजी भी स्टोरी सुनाते होंगे, हमारे दादाजी हमको स्टोरी सुनाते हैं। ध्यान में मेरे को लगता है अभी मेरे दादाजी के दादाजी भी सुनाते होंगे स्टोरी। हाँ। दंत कथाएं हैं, मैं बोलूँ ना जी। अच्छा। रिकॉर्ड हमारे पास, कानूनी रिकॉर्ड ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड है, मतलब उसमें दर्ज है कि विजेश्वर महादेव, ठीक है, का नाम जो है, नाम विजेश्वर महादेव ये शुरू से मतलब और आज तक वही चल रहा है। इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है जी काफी ज्यादा, पहले टाइम में इसकी 900 बीघे प्रॉपर्टी थी जो हमारे को पूजा पाठ में। अच्छा। अब आज तो पैसा हो गया ना, या तो पैसा है लोगों के पास, पहले पैसा नहीं होता था। हाँ, हाँ। अनाज आता था 6 महीने में, अनाज 6 महीने बाद जैसे फसल आती है तो उसका अनाज लेके आएंगे लोग। हाँ। आज काम के साथ पैसा हो गया, आज कोई करता नहीं, जिम्मेदारा नहीं करता, सब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो यहाँ आज पैसा है, पहले पैसा नहीं होता था, पहले हाँ गेहूँ गया मंदिर में। हाँ जी, पर हमारे जैसे पहले जो थे वो उसी में क्या नाम थे करते थे, ड्यूटी करते थे, अपनी पूजा करते थे, पूजा नहीं, बुजुर्गों ने कहा है कि पूजा नहीं छोड़ी, हमारे को खुद कहा है कि पूजा नहीं छोड़ी, जो मर्जी करो जैसे मर्जी। आपकी पूजा का समय? हमारे पूजा का सुबह 5 बजे की, 5 बजे से आरती होती है। हाँ। जैसे गर्मियों में थोड़ा लेट क्या होता है, 6 बजे आते हैं। हाँ। और सर्दियों में 5 बजे होता है शाम को। उसमें होता है दूध दीप का, जैसे पूजा का सुबह का जल्दी का 4 बजे के बाद कभी भी, शाम को आरती का टाइम जैसे आरती होती है सूर्य ढलने के बाद, 6:30-7 बजे, 7 बजे के करीब। हाँ जी, 6-7 बजे, ठीक है, धन्यवाद आपका।